तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। विली सिखबे विली माइक मुराय दे बूब। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है बस लोया, तो यही तो राइड है, इसी में हम राइड निकाल लेते हैं, इसी में एंजॉय कर लेते हैं। कहीं भी काम रहता है वहीं पे जाके अपना मज़े से बाइक चलाओ और ब्लॉग बना के आ जाओ। तो काम है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है भाभी का, तो इसीलिए जा रहे हैं बरस लोया। तो देखते हैं, अप्लाई करना है फिर आ जाना है, फिर कास्ट रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट का भी कुछ फॉर्म वॉर्म लेके आना है, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो अभी तो पहुंच चुके हैं हम अपना ट्रेनिंग ग्राउंड, लेकिन अब नहीं करेंगे व्हीली प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा जो वीडियो था व्हीली प्रैक्टिस वाला, वो किसी ने मेरे पापा के पास रिवील कर दिया, शेयर कर दिया मेरे पापा के पास, गलत आदमी के पास शेयर हो गया यार। हमको नाट रहा है पूरा, विली सिखबे विली माइक मुराय दे बूब। तो इसीलिए अब नहीं ट्राई करेंगे, आराम से ही बाइक चलाएंगे, विली तिली छोड़ो। जुनून तो था, चाहत तो थी कि विली ट्राई करे, विली सीखे, बट छोड़ो यार, ऐसे ही प्रेम से गाड़ी चलाएंगे बस। आमु को भलो पहुँचे, क्या बोलता है ओडिया में? ओ मो तुमको भलो पहुँचे पाइछे, नहीं पता उतना, लेकिन मो तुमको भलो पाइछे, आई लव यू। उस दिन भाई केला घाट गए थे, मजा ही आ गया घूम के, बहुत दिन के बाद गए थे सिमडेगा, फिर केला घाट घूम के आ गए, मजा आ गया। सनसेट का टाइम में गए थे ना, तो इसलिए अच्छा लग रहा था, मस्त। तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ये वाला रोड मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, छोटा है बट बढ़िया रोड है। इसी में थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, स्पीड भगा के बस, यही तो। चलिए गाइस, आज हम फिर से गाना गाएंगे, आप लोगों को गाना सुनाते हैं। प्रेजेंटिंग मिस्टर प्रवील डुंग डुंग, प्रेजेंटिंग द सॉन्ग बाय मिस्टर प्रवील डुंग डुंग। ओके चलो, कैसा वाला गाना गाएंगे बुला के? जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ, तेरा मिलना ये रोजाना। आगे नहीं आता है, शाबाश। बस इतना ही। मौत मौको बोलो पीछे, झारखंड में बोलेंगे भाई, मो तुमो को बोलो पाई से लड़के लोग नहीं समझेगी, हम बोल देंगे आई लव यू। कुछ गिर गया है क्या? बालू, सीमेंट वाला बोलते हैं, पत्थर वाला बालू जैसे दिख रहे, सफेद सफेद। ट्रैक्टर
ट्रैक्टर से लीक कर गया होगा। बस पहुंच ही गए कैफे और 50 मीटर। कैफे वाला आदमी है कि नहीं बंद कर दिया यार, बंद कर लगी इतनी अप्लाई करवा कर ये फॉर्म अप्लाई करने आए थे आचरण का। हाँ तो गाइस ये हमारे गांव के टीचर थे, तो पूछ रहे थे कहाँ करने आया था भूल के। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन बैग नहीं पकड़े थे, हमको नहीं पता था प्रिंट आउट भी निकलेगा। तो ऐसा कुछ प्रिंट आउट निकला है तो इसको इसमें फ़ोटो अटैच करके जमा मतलब मुखिया से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, फिर थाना जा के वहाँ भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। बहुत लफड़ा है भाई सर। तो अभी तो जाएंगे हम लोग घर, तो ऐसे ही टहलने टाइप से निकले थे, काम से ही टहलने नहीं काम से ही निकले थे। काम करते करते बाइक राइडिंग का मजा लिया जाए बस। लेकिन अच्छा ग्रिप दिया है यहाँ पे तो हिल नहीं रहा है। देख रहे हो कैसे रफ्तार में आता है हाइबा। अभी हमको नीचे उतार के ही छोड़ेगा, लेकिन नहीं उतरेंगे आज तो आज तो नहीं उतरे, लेकिन रोड में ही चले आज। ओके तो गाइस यहीं से हम लोग का गांव जाते हैं ये वाला रोड से। बाकी यही छोटा सा ब्लॉग था, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।